बैंगन का भुर्ता कैसे बनाया जाता है मैं आपको इसका तरीका बता रही हूँ और मैं इसको बनाने जा रही हूँ। आप एक या दो बैंगन ले लें और बैंगन इसके बाद हमने इसको बारबेक्यू करना है डायरेक्ट फ्लेम पे, और चूल्हे के ऊपर रखने से पहले आपने इसको दरमियान में से दो पीस करके देखना है, कोई ख़राब तो नहीं, इसके अंदर कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है। ओके, एक या दो बैंगन आप चूज कर सकते हैं, एक बड़े साइज का, एक टमाटर, तीन पीस आपने लेने हैं गार्लिक के, लहसुन के, और एक इंच के बराबर आपने लेनी है अदरक, और तीन पीसेस आपने ग्रीन चिली लेनी है, और आपने सब्ज़ धनिया लेना है। ये हो गई चीज़ें। अब मैं आपको बताती हूँ और इसमें मसाले वगैरह क्या डालेंगे। इसमें ये राई के दाने हैं क्वार्टर टीस्पून, इसमें ज़ीरा है क्वार्टर टीस्पून, इसमें धनिया पाउडर है 1 टीस्पून, और हल्दी पाउडर है 1/2 टीस्पून, क्वार्टर टीस्पून रेड चिली पाउडर है, और रेड चिली पाउडर आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, चाहे आप क्वार्टर डालें, हाफ डालें, 1 डालें, इट डिपेंड्स ऑन यू, आप किस तरह बर्दाश्त कर सकते हैं। और ये 1/4 टीस्पून इसमें सॉल्ट है, इसके अलावा इसमें ऑयल यूज़ होगा। और अब हम चलेंगे किचन में, सबसे पहले हम इसको बर्न करेंगे। दोस्तों अब मैं आ गई हूँ किचन में और मैंने इसको दरमियान से कट करके देख लिया है कि ये ठीक है, अंदर से ख़राब नहीं है, और अभी मैं इसको बर्न कर रही हूँ। ये मैंने चूल्हा जलाया और डायरेक्ट मैंने इसको चूल्हे पे रख दिया है, और जब ये बर्न हो जाएगा फिर मैं आपको बताऊँगी इसका कवर उतार के इसको कैसे बैंगन का मज़ेदार भुर्ता बनेगा। ये एग प्लांट बर्न हो चुका है, ये बारबेक्यू इसका बन चुका है, अभी मैं इसको कुक करूँगी। गाइस सब आप देख लें ये सब चीज़ें नज़दीक से, और मैं अभी इसको चॉप करने जा रही हूँ, इसको चॉप करके हम अपना पकाना शुरू करेंगे। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने इसको पील ऑफ कर लिया है, इसका सब छिलका मैंने उतार दिया है और सब चीज़ों को मैंने चॉप कर लिया है, हर चीज़ रेडी है पकाने के लिए। गाइस अब हम पकाना शुरू कर रहे हैं और मैं अब इसमें सबसे पहला जो इसमें स्टेप है इसमें ऑयल डालना है। ऑयल आप 2 टीस्पून डाल सकते हैं, 3 भी डाल सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर लाइकिंग। इसके बाद इसमें आप ये सरसों के बीज, राई जिसको कहते हैं, वो आप डाल दें और ज़ीरा डाल दें। तो फ्रेंड्स देखें इसमें मैंने डाल दिया है लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चें, और बस अब इसमें मैं डाल रही हूँ टमाटर। तो जब टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे उसके बाद मैं इसमें डालूंगी बाकी जो मसाले हैं मिर्चे वगैरह, क्योंकि अगर मैं अभी डाल दूंगी तो वो सब जल जाएंगे। फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं और अब हम इसमें बाकी मसाले भी डाल देंगे। गाइस टमाटर ऑलरेडी बिकेम सॉफ्ट, सो आई एम गोइंग टू एड ऑल द इंग्रेडिएंट्स एज आई टोल्ड यू बिफोर। After this, immediately I will add eggplant in it. This dish, it is, if we will not cook it more, it is little cooked, half cooked, I mean, it will be more tasty. That's why, just because I want to finish the raw taste of chili powder, this is the reason I will cook for a few seconds and now I will add eggplant. फ्रेंड्स अब मैं इसमें बैंगन डाल दिया है चिला हुआ, तो हर चीज़ जो भी जल जाती है उसका टेस्ट हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये एक ऐसी डिश है जिसमें हमें बैंगन का जला हुआ टेस्ट बहुत पसंद आता है, बहुत मज़ा देता है। अब ये तैयार हो चुका है, मैंने चूल्हा बंद कर दिया है, जस्ट ये मिक्स होगा क्योंकि इसको ज़्यादा पकाने से इसका टेस्ट अच्छा नहीं रहता, तो ये अभी रेडी है खाने के लिए, इसलिए मैंने अब इसको बंद कर दिया चूल्हे को। फ्रेंड्स आप देखें मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चें और अदरक और धनिया मैंने इसके ऊपर डाल दिया है और फ्लेम बंद किया हुआ है क्योंकि थोड़ी सी हीट है जिसमें जो है ना ये मिक्स हो जाएगा, क्योंकि ये इसका जो कच्चा कच्चा बीच में आएगा लहसुन और अदरक का टेस्ट वो बहुत ही मज़ा देता है। तो चले गाइस टेस्ट करते हैं, देखें कितनी प्यारी रोटी है, इस रोटी को तमीज़ कहते हैं, मैं अब तमीज़ के साथ
बैंगन का कुर्ता खाने लगी हूँ। आप ये ना समझे कि मैं बदतमीज हूँ और तमीज के साथ खाने लगी हूँ, बल्कि इस रोटी को अरेबिक लोग जो है वो इसको तमीज कहते हैं, हमारे यहाँ तो ये इसको रोटी तंदूर की नान या रोटी कहा जाता है। तो मैं आपको खा के बताती हूँ कि ये कितना टेस्टी है, कितने मजे का है। दिस बनी टेस्ट इज वेरी डिलीशियस, वेरी नाइस। यू मस्ट मेक दिस एंड ईट इट एंड एंजॉय दिस डिश। एंड इफ यू डिड नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। एंड इंशाल्लाह वी विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो एंड होप यू विल ऑल्सो मेक बारबेक्यू एग प्लांट्स एंड यू विल एंजॉय इट।